हम देखते हैं कि अहोरा ने आखिरकार त्रस्टिन को अपने बनाए हुए डीप क्राउल बैरियर में सील कर दिया था। ये देख के ग्रैंड प्रीस्ट काफी चौंक जाते हैं और कहते हैं, क्या ये नामुमकिन है? ये इसने कैसे किया? लॉर्ड त्रस्टिन। इस पे गोबामा कहता है, मैं जानता था इस बार किंग अहोरा नहीं हारने वाले। इस पे अहोरा कहता है, अब मेरा मकसद पूरा होगा, अब इसे पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता सिवाय एक के, ओमनी किंग, क्योंकि अब इस मल्टीवर्स में तुम ही एक ओमनी किंग बचे हो, तो तुम्हारे मरने के बाद इस मल्टीवर्स का किंग मैं बन जाऊंगा। इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, नहीं गोकू, उठो वरना तुम ऐसे ही मारे जाओगे। हम देखते हैं कि गोकू बेहोश होता है और वो ग्रैंड प्रीस्ट की बातों का कोई भी जवाब नहीं देता। इस पे कोंटारो कहता है, ये भला कैसा ओमनी किंग है? इसे देख के तो ऐसा लगता है कि ये लड़ाई से पहले ही खुद ब खुद मारा जाएगा। क्या ये सच में इतना कमजोर हो चुका है? इस पे किंग अहोरा कहता है, ये कमजोर हो या ताकतवर, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इसे तो मरना ही होगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अहोरा गोकू की तरफ बढ़ने लगता है। तभी चीची कहती है, गोकू उठो, तुम कब तक ऐसे ही पड़े रहोगे? वो हमारी तरफ ही आ रहा है। इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, इसका कोई भी फायदा नहीं है, गोकू का शरीर ठंडा पड़ चुका है, ये मर रहा है। इस पे कोंटारो कहता है, क्या लगता है मेरी बात सच हो गई? ये तो लड़ाई से पहले ही खुद ब खुद मर जाएगा। इस पे किंग अहोरा कहता है, चिंता मत करो, मैं ये होने नहीं दूंगा, उसे मैं अपने हाथों से ही मारूंगा। तभी हम देखते हैं कि गोहान काफी तेजी के साथ अहोरा के सामने आ जाता है और खड़ा हो जाता है। इस पे अहोरा कहता है, तुम अपने पिता को बचाने के लिए आए हो, तुम्हें लगता है कि तुम ये कर पाओगे? इस पे गोहान कहता है, मैं नहीं जानता कि मेरी ताकत तुम्हारे खिलाफ कितनी काम आएगी, लेकिन मैं जब तक जिंदा हूं तुमसे लड़ता रहूंगा। इस पे अहोरा कहता है, क्या बात है, तुम्हारी बहादुरी मुझे पसंद आई, काश तुम मेरी तरफ होते, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं है, तुम भी अपने पिता के साथ ही मरोगे, लेकिन उससे पहले, चूंकि तुमने मेरे रास्ते में आने की हिम्मत की है, तो इसलिए मैं तुम्हें थोड़ी तकलीफ देने की मेहरबानी तो कर ही सकता हूं। इस पे गोहान कहता है, देखते हैं। ये कहने के बाद गोहान अपने की ब्लास्ट से अहोरा पे हमला करता है, लेकिन हम देखते हैं कि अहोरा पे उसके हमले का कोई भी असर नहीं होता। इसके बाद हम देखते हैं कि अहोरा गोहान के सामने आता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है। गोहान उससे खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि गोहान कुछ नहीं कर पाता और फिर अहोरा इसके बाद एक ही झटके में गोहान के हाथ को उखाड़ देता है और उसके हाथ को फेंक देता है। गोहान दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। ये देख के क्योगा कहता है, नहीं ये तो। इस पे चीची चिल्लाती है, नहीं गोहान। इस पे अहोरा कहता है, अभी तो सिर्फ तुम्हें थोड़ी ही तकलीफ हुई है,
अभी तो और बाकी है। तभी हम देखते हैं कि अहोरा गोहान के दूसरे हाथ को भी पकड़ लेता है, लेकिन तभी वहां पर क्योगा अहोरा पे अचानक से एक खतरनाक हमला कर देता है, जिससे कि अहोरा के हाथों से गोहान छूट जाता है। और क्योगा कहता है, बस करिए पिताजी, आप ये कैसे कर सकते हैं? आपको जरा सा भी समझ नहीं आ रहा, आप ये क्या कर रहे हैं? इन सब का कोई भी दोष नहीं है। इस पे अहोरा कहता है, मैंने क्या कहा था क्योगा, अगर तुम मेरे खिलाफ हो तो मैं तुम्हें भी मारने से पीछे नहीं हटने वाला, भले ही तुम मेरे बेटे क्यों ना हो। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अहोरा क्योगा पे एक हमला करता है, जिससे कि क्योगा रोक नहीं पाता और वो काफी बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है। इसके बाद वो फिर से गोहान की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी गोरोशी और यामोशी भी उसके सामने आ जाते हैं। और हम देखते हैं कि ब्रोली भी अहोरा के सामने आता है और वो सभी लोग एक साथ मिलकर अहोरा पे सबसे खतरनाक हमला करते हैं, जिससे कि वहां पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। लेकिन अहोरा को उससे एक खरोच तक नहीं आती है। इस पे अहोरा कहता है, तुम सबको ये सब बेकार की कोशिश करते हुए देखकर मुझे बहुत ही मजा आ रहा है, लेकिन मैं इसे फिर भी जल्दी खत्म करना चाहता हूं। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अहोरा उन सभी पे एक हमला करता है, जिससे कि वो सभी एक बार में ही जख्मी हो जाते हैं और वो अहोरा को कुछ नहीं कर पाते। इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, ये सब कुछ इसके सामने बेकार है, कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। तभी हम देखते हैं कि अहोरा गोहान के पास पहुंचता है और उसे देख के कहता है, मुझे सच में तुम पर दया आती है, तुम सबके पास जीतने की कोई भी उम्मीद नहीं है, फिर भी तुम सब मिलकर कोशिश किए जा रहे हो, लेकिन तुम सब ये सब कुछ अपनी आंखों से देखोगे। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अहोरा गोकू के सामने आ जाता है और कहता है, तुम्हें देख के तो ऐसा लगता है कि तुम मेरे मारने से पहले ही खुद ब खुद मर जाओगे। इसमें तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट गोकू के आगे आ जाते हैं और अहोरा उसे देख के कहता है, ओह, मैं तो भूल ही गया था कि तुम भी हो और तुम मेरे रास्ते में ना आओ, ये हो नहीं सकता। तुम्हें वाकई में लगता है तुम अपने ओमनी किंग को बचा सकोगे? तुम्हारा कोई भी पैतरा काम नहीं आएगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अहोरा ग्रैंड प्रीस्ट को पकड़ लेता है और कहता है, अगर मैं चाहूं तो तुम्हें एक ही झटके में खत्म कर सकता हूं। इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, मैं जानता हूं मेरा अस्तित्व सिर्फ ओमनी किंग के लिए है और मैं अपने रहते उनकी रक्षा जरूर करूंगा, इसलिए। इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट अपने मन ही मन कहते हैं, मुझे माफ करना गोकू, मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था, मेरे पास ये एक आखिरी उम्मीद है। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट खुद को सैक्रिफाइस कर देते हैं, जिसकी वजह से गोकू के चारों ओर एक बैरियर बन जाता है और उसकी वजह से अहोरा थोड़ी दूर जाके गिरता है। इस पे कोबामा कहता है, बेवकूफ ग्रैंड प्रीस्ट, क्या उसे ऐसा लगता है कि उसके इस सैक्रिफाइस से वो किंग अहोरा को रोक सकते हैं?
और वो भी उस शील्ड की मदद से। क्या बेवकूफी है। इस पे अहोरा कहता है, मैंने तो सोचा था कि मैं तुम्हें मारूंगा, लेकिन तुमने तो खुद को ही खत्म कर लिया। इस पे यामोशी कहता है, ग्रैंड प्रीस्ट, आपने ये सिर्फ और सिर्फ ओमनी किंग को बचाने के लिए किया है। मैं आपके कर्तव्य को समझता हूं और आपका बहुत सम्मान करता हूं। इस पे माजिन वजीटा कहता है, बेवकूफ ग्रैंड प्रीस्ट, उसने उस बेवकूफ के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया। ये तो बिल्कुल भी बेकार है, क्योंकि वैसे भी उसे तो मरना ही है। कोई भी उस कैकरॉट को नहीं बचा सकता। तभी हम देखते हैं कि अहोरा गोकू के पास जाता है और उस शील्ड पे बार बार अपना पंच करने लगता है, और हम देखते हैं कि अहोरा के 2-3 पंच के बाद ही उस शील्ड में दरार आने लगती है। इस पे कोंटारो कहता है, मैंने कहा था ये बिल्कुल भी बेकार है और इन सब से कुछ नहीं होने वाला। कोई भी किंग अहोरा को नहीं रोक सकता। तभी हम देखते हैं कि अहोरा उस शील्ड को तोड़ देता है और गोकू के सामने आता है और कहता है, और अब तुम्हारे मरने की बारी आ गई है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अहोरा पे फिर से कोई हमला करता है, जिसे कि अहोरा थोड़ा सा पीछे हट जाता है और हम देखते हैं कि वो वेजिटा होता है और वो कहता है, क्या करोड़ को कोई नहीं मार सकता समझे, और तुम जैसा बेवकूफ तो बिल्कुल भी नहीं। ये कहने के बाद वेजिटा अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाता है और उसे देख के माजिन वेजिटा कहता है, क्या ये दोबारा कैसे उठ गया। तभी वेजिटा अहोरा की तरफ बढ़ता है और उस पे कई सारे हमले को करने लगता है, जिसकी वजह से वहां पे कई सारे धमाके होने लगते हैं। इस पे गोबामा कहता है, क्या इसमें अभी भी जान बाकी है। इस पे माजिन वेजिटा कहता है, मैं इसे अभी सबक सिखाता हूं। इस पे गोबामा कहता है, नहीं रुक जाओ, किंग अहोरा के लड़ाई के बीच में दखल मत दो समझे, उन्हें इन सब से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ये ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। हम देखते हैं कि वेजिटा लगातार अपने कई सारे हमले को अहोरा पे किए जा रहा होता है और आखिर में वेजिटा अपना सबसे पावरफुल फाइनल फ्लैश करता है, जिसकी वजह से वहां पर एक बड़ा धमाका होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और वो काफी थक जाता है। तभी हम देखते हैं कि अहोरा उसके सामने आता है और कहता है, क्या बात है, तुम में तो काफी ज्यादा जोश है। वेजिटा ये देखने के बाद काफी चौंक जाता है और कहता है, क्या इसे तो कुछ भी नहीं हुआ। इस पे अहोरा कहता है, तुम्हारी ताकत मुझे ठीक लगी, और अब जरा मेरी भी थोड़ी देख लो। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अहोरा वेजिटा पे एक छोटा सा हमला करता है, जिसे कि वेजिटा रोक नहीं पाता और बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है। तभी गोहान जख्मी हालत में कहता है, नहीं वेजिटा, लगता है हम हार गए हैं, हम कुछ नहीं कर पाए, इससे लड़ना नामुमकिन है। हम देखते हैं कि वेजिटा अधमरा पड़ा होता है और अहोरा उसके पास जाता है और उसकी गर्दन को पकड़ लेता है
और उससे कहता है, तुम में हिम्मत तो बहुत है, लेकिन ना तो अब वो रहेगी और ना ही तुम। लेकिन तभी बस बहुत हो गया, मेरे अपने लोगों को चोट पहुंचाना बंद करो। गोगू अहोरा को पकड़ लेता है और अहोरा कहता है, क्या तुम? लेकिन ये कैसी ताकत है? तभी गोगू अहोरा पे एक पंच करता है जिससे कि अहोरा बहुत ही दूर जाके गिरता है। इस पे गोबामा कहता है, क्या ये आखिर कैसी ताकत है? इस पे यामोशी कहता है, लगता है ये वही है जिसके बारे में ग्रैंड प्रिस्ट ने बताया था। इस पे गोकू कहता है, बस बहुत हो गया अहोरा, अब और नहीं, अब ये यहीं पर खत्म होगा। तभी अहोरा कहता है, तो आखिरकार तुम आ ही गए, मुझे लगा ही था ये लड़ाई इतनी आसान नहीं होनी चाहिए। किंग नायर,